हाय, मेरा नाम है शोभित तिरवान। अपने ईयरफोन्स लगा लो, आंखों को बंद कर लो और इस वीडियो को ना फील करो। चलो, अभी से कुछ देर बाद ना तू अपनी जिंदगी का सबसे आसान पेपर लिखने जा रहा है। हाँ, आसान पेपर भैया? अरे भैया, अभी तो मेरा ये भी बचा है, अभी तो मैंने PYQs भी नहीं करे, अभी तो मैंने सैंपल पेपर भी नहीं करे, मेरे दोस्त ने तो भैया ये बुक भी कर ली, मेरे दोस्त ने तो भैया वो बुक भी कर ली, मैं तो NCERT बहुत मुश्किल से कर पा रहा हूँ। अरे बस बस मेरी जान, इतना क्यों परेशान हो रहा है? किसी का कभी भी पूरा सिलेबस नहीं हो पाता है, चाहे कोई टॉपर ही क्यों ना हो। बिलीव मी, कुछ ना कुछ आखिरी में छूट ही जाता है हमेशा। पर एक बात बताऊं, कम पढ़कर भी जो बच्चा फोड़ के आए ना, उसे एक लेजेंड कहते हैं और तू एक लेजेंड है। जितना भी सिलेबस हुआ है कोई बात नहीं, इस पेपर में ना तू अपना 120% देके आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तेरे को पता है तुझे अच्छे मार्क्स क्यों लेके आने हैं? तुझे अच्छे मार्क्स इसलिए नहीं लाने कि तुझे सबको दबाना है, बल्कि इसलिए लाने हैं जिससे कोई तुझे दबा ना सके। हर उस इंसान को जो बोलता था ये कुछ नहीं कर पाएगा, जो कुछ नहीं कर पाएगा, इस बच्चे से कुछ नहीं होगा, हर उस इंसान को तेरे को गलत प्रूफ करके दिखाना है। अपने रिजल्ट को ना उनके मुंह पे फेंक के मारना है जिससे वो एकदम शांत हो जाए। एंड मोमेंट तक, जब तक पेपर छीनने ना आ जाए ना टीचर, उस एंड मोमेंट तक ना लिखते रहियो। हाथ दुख जाए, सर दर्द कर रहा है, आखिरी सेकंड तक लिखते रहना है। और अगर किसी मोमेंट पर तेरे को लगे ना कि यार बहुत हो गया, अब नहीं हो पा रहा है, बस एक बार अपने पापा मम्मी का वो फेस, एक बार अपने पापा मम्मी के फेस की वो स्माइल इमेजिन कर लियो, जब तू अपने हाथ से उनके सामने 95% की रिपोर्ट कार्ड लेके जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, जा फोड़ के आ।